हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साई किचन। आज साई किचन में मैं आपके लिए लाई हूँ ब्लैक फॉरेस्ट केक इन जार, या फिर आप इसे चॉकलेट मोज भी कह सकते हैं। ये एक स्वीट डिश है जिसे आप मेहमानों के आने से पहले ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब वो आए तो एकदम ठंडा ठंडा उन्हें सर्व करें। मैं आपको इसे 3 स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी, तो इसलिए आप रेसिपी को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपकी रेसिपी बने एकदम परफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम चॉकलेट मैंने मेल्ट किया है। ये चॉकलेट आपको डबल बॉयलर मेल्ट करना है। ये देखिए, ये मेल्ट हो गया है, तो हमारा चॉकलेट परफेक्टली मेल्ट हो गया है। अब मैं इसे सिलिकॉन के एक मोल्ड में डालूंगी जिसमें ये स्टार टाइप के चॉकलेट्स शेप बन जाएंगे। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है मोल्ड, आप खरीद सकते हैं। ये डेकोरेशन के लिए है जिसे मैं लास्ट में यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से आप स्प्रेड करके इसे फ्रीज़र में रख दीजिए, ये 10 मिनट में आराम से रेडी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश के लिए पहले मैंने 100 ग्राम चॉकलेट कट करके रख लिया है, डार्क चॉकलेट, और फिर उसी बॉयलर में मैंने डाल के, और उसमें ये अमूल फ्रेश क्रीम है, इसे हम एक कटोरी डालेंगे उसमें चॉकलेट में, और फिर इसे डबल बॉयलर पे वापस मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, परफेक्ट फ्रेंड्स। ये है केक जो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ है, आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको बनाना आता है तो आप घर में भी बना कर रख सकते हैं और फिर इसे क्रश कर दीजिए। ये चॉकलेट केक है, इसे क्रश कर लीजिए। अब एक जार लेंगे, आपके पास जार अवेलेबल नहीं है तो आप ग्लास में भी बना सकते हैं। ये चॉकलेट क्रश किया हुआ मैंने फर्स्ट लेयर उसमें डाला है। ये देखिए, एक लेयर आपको डालनी है। उसके बाद हमने इस पे डाला है व्हिप्ड क्रीम, आप कोई भी कंपनी का व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप व्हिप्ड क्रीम को कलरफुल भी कर सकते हैं, तो मैं तो ब्लैक फॉरेस्ट बना रही हूँ इसलिए मैंने डार्क चॉकलेट का केक और फिर व्हिप्ड क्रीम और फिर से उसके ऊपर क्रश्ड चॉकलेट केक डालना है आपको। आप इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है आइसक्रीम डालने से। ये देखिए चॉकलेट, आप ये आइसक्रीम डालिए और फिर उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दीजिए, इक्वल कर लीजिए। ये देखिए, और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट गनाश। और फिर से इसके ऊपर लास्ट लेयर हम डालेंगे ये व्हिप्ड क्रीम। तो और इसके ऊपर हम डालेंगे ये ओरियो बिस्किट्स है जिसे मैंने क्रश कर लिया है ऊपर से, और इसे ऐसे डाल दीजिए। तो ये हमारा एक स्टाइल का डेजर्ट रेडी हो गया है, और ये हमारा दूसरा स्टाइल, ये है ओरियो बिस्किट्स जिसके मैंने क्रीम निकाल लिए हैं और फिर उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, मैंने पाउडर कर लिया है ओरियो बिस्किट का। अब एक कटोरी लीजिए और उसमें थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम डालिए, और जो ये हमने बिस्किट्स, ओरियो बिस्किट हमने जिसे ग्राइंड करके रखा था, पीस के रखा था, उसे 3 से 4 चम्मच उसमें डालिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
मिक्स करने के बाद आप उसे जार में फिल कर दीजिए। ये देखिए एक लेयर हमने लगाई है, उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम डालिए। फिर उसके ऊपर क्रश किया हुआ चॉकलेट केक और फिर उसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम। तो ये हमारी सेकेंड डिश रेडी हो गई है। इसके ऊपर गार्निशिंग मैंने क्रश किए हुए चॉकलेट से कर दिए। तो ये हमारा सेकेंड डिश रेडी हो गया, सेकेंड डेजर्ट। और ये है थर्ड वाला चॉकलेट मूज। तो ये जो गनाश चॉकलेट है वो आपको फर्स्ट लेयर डालनी है। चॉकलेट गनाश, अमूल क्रीम और चॉकलेट से मिलके बना होता है। इसे फ्रीज़र में रखने के बाद ये जमता भी नहीं है, मीन्स हार्ड नहीं होता है। इसके ऊपर हम डालेंगे व्हिप्ड क्रीम। और इसके ऊपर थर्ड लेयर डालिए क्रश किया हुआ चॉकलेट केक और फिर इसे स्प्रिंकलर से गार्निश करिए। और ये है चेरी। तो ये हमारा चॉकलेट मूज हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स ये थ्री स्टाइल के डेजर्ट है, ये बहुत ही यमी होता है। इसे खाने के बाद आप आइसक्रीम खाना तो भूल ही जाएंगे। जार का ढक्कन बंद करके आप इसे फ्रीज़र में रख दीजिए और 4-5 दिन तक इसे आराम से एंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मेरी रेसिपी को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू।